हेलो फ्रेंड्स, makefoodeasy.com में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इंस्टेंट कैरी का अचार। ये रेसिपी जो है वो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई है, क्योंकि हमारी मम्मी इस तरह से अचार डालती है जिसको आप तुरंत ही खा सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है इंस्टेंट कैरी का अचार। कैरी का अचार डालने के लिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कैरी ली हुई है, कच्ची कैरी है ये। और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसको अच्छे से साफ कपड़े से बिल्कुल ड्राई किया, क्योंकि हमें अचार डालते वक्त हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हमारा अचार है वो बिल्कुल उसमें नमी ना हो। अब इसका हम टॉप हटा देंगे इस तरह से और कैरी को कट कर लेंगे। छिलके नहीं हटाएंगे हम, क्योंकि कैरी कच्ची है हमारी, छिलके नहीं हटाएंगे। हमसे तो जब कैरी आ जाती थी तो हमसे इंतज़ार ही नहीं होता था, तो इसीलिए मम्मी इस तरह कैरी का अचार डालती थी जिसको हम तुरंत ही डालकर खा सकते थे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप इनके छोटे छोटे पीस काट लेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो कैरी थी मैंने उनको कट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, गैस पे हम सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून सौंफ, और ये देखिए 3 से 4 लौंग है। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। गैस जो है मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। चाहें तो हम इनको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करने से जो हमारे अचार की स्वादिष्टता है वो और बढ़ जाती है, और दूसरा अचार की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इसमें नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इससे अचार की लाइफ जो है वो थोड़ा बढ़ जाती है। 1 मिनट में ही ड्राई रोस्ट हो जाएगा ये। 1 मिनट हो चुका है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। गैस को हम बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे पहले हम 1 मिनट, और फिर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसे बस केवल दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना, थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने जार में इसको डाल लिया है, इसको पीस लेंगे हम। और मैंने जैसा कि आपको बताया बस हमें केवल दरदरा पीसना है। चेक कर लेते हैं हम एक बार, ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ज़्यादा मोटा है, हमें थोड़ा सा और इसको पीसना है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बारीक होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का चाहिए हमें। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप इस तरह का दरदरापन हमें चाहिए होगा। और अब हम साथ ही ये देखिए ये पीली सरसों के दाने हैं जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, इनको भी हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और इनको भी एक देखिए आप 2 टेबल स्पून लिए थे हमने। अब हम हमारा इंस्टेंट पिकल डालना शुरू करते हैं। गैस पे पैन रखेंगे हम सबसे पहले, और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वैसे अगर अचार डालते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में डालें, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तेल हमने वैसे भी थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि आराम से फिर आप इस अचार को काफ़ी दिनों तक रख भी पाएंगे। सरसों के तेल के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ इसे अच्छे से गर्म होने देना है, और फिर हम इसको गैस बंद कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर से हम गैस ऑन करेंगे, तो अच्छे से गर्म होने का पहले इसमें धुआं आ जाए तब तक इसे गर्म होने देंगे हम। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, तब मैंने इसे थोड़ा ठंडा भी कर दिया था,
और अगेन से मैंने गैस ऑन करी है। अब हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हींग और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम करौंजी। इससे क्या होता है, करौंजी से अचार जो है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे इस तरह और इसमें डाल देंगे जो कैरी हमने कट करी थी वो। थोड़ा सा चलाएंगे पहले हम इसे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जो हमने येलो सरसों थी दाने थे उसको पीस लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक का टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर अचार में थोड़ा सा नमक जो है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिएगा। और हम एक डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसको चलाएंगे एक बार। नमक और हल्दी डालने से क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट हमारी ये जल्दी हो जाएंगी। और अब हम इसको केवल 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कैरी कच्ची है तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं कैरी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई रोस्ट मसाला तैयार किया था सबसे पहले तो वो डालेंगे और 3/4 टेबल स्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबल स्पून जो सिंपल हमारा लाल मिर्च पाउडर हम यूज़ करते हैं वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा आपको ये वाला अचार बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खाने का बस मन कर रहा है, तो इसे आराम से हम खा भी सकते हैं जल्द ही। और अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, जिससे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाए अचार में। से 3 मिनट हो चुका है, गैस तो हम बंद कर देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कैरी बहुत कच्ची है तो आराम से बहुत सॉफ्ट भी हो गई है। और अब हम इसको थोड़ी सी देर ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में निकाल के रखेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था, ठंडा हो चुका है। और अब हम इसे किसी भी साफ़ बर्तन में, कंटेनर में, लेकिन जो भी कंटेनर आप यूज़ लें बस ध्यान रखें एक तो सबसे पहले कि वो वॉश होना चाहिए और अच्छे से ड्राई होना चाहिए। मेरे पास तो चीनी मिट्टी का ये बर्तन है। चीनी मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, जो अचार है वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। तो मैं तो इसमें इसको फिल कर देती हूँ। आप इस अचार को आराम से 10-15 दिन रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस मैंने जैसा कि आपको बताया, बस कुछ ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप जो मसाले लें उनमें नमी नहीं होनी चाहिए अगर डायरेक्ट आप उनको ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको सौंफ बताया, मेथी, अदरवाइज़ आप थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। आप देखिए हमारा इंस्टेंट कैरी का अचार जो है तैयार हो चुका है खाने के लिए। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आराम से खा सकते हैं, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके परिवार को ये इंस्टेंट बना अचार बहुत पसंद आएगा। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।